मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सुप्रभात। क्लास ए तीसरा पाठ अपूर्व त्याग, अपूर्व त्याग। तो अपूर्व त्याग का अर्थ अपूर्व का अर्थ था अनोखा, त्याग का अर्थ था बलिदान, कि अनोखा बलिदान। यह एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जो राजस्थान की जन्मभूमि उदय सिंह के जीवन पर आधारित है। उदय सिंह चित्तौड़ के जो राजा हुए थे, उनका लालन पासन कैसे एक भाई ने उनके जान को बचाई थी, उस घटना को इस पाठ के अंतर्गत दर्शाया। इस पाठ के अंदर विशेषण विशेष विद्यार्थी ये आप विशेषण और विशेष से जो परिचित है, विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष है जिस शब्द की विशेषता बताए, जैसे काला घोड़ा, तो काला जो है वह विशेषण है और घोड़ा जो है वो विशेष है। संस्कृत में विशेषण विशेष जो है लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है, जैसा लिंग होगा वैसा ही विशेषण। जैसे एका, तो यहाँ एका पुलका है तो बाल या बालक, तो बालक जो है एक वचन है और पुल्लिंग है तो एका बालका। इस तरह जैसे अगर लड़की है तो वो हो जाएगा एका बालिका, एका बालिका कारांत हो गया, तो ये लड़की है या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा एका बालिका। ऐसे ही पाठ में बहुत से शब्द आएंगे, जैसे राजपुत्र उदया, तो राजपुत्र उदया, उदय नाम है तो उदया पुल्लिंग है, तो राजपुत्र राजा का पुत्र होगी विशेषण शब्द जो है। इस प्रकार के विशेषण युक्त शब्द जो है जिस लिंग वचन काल से हो या कारक से हो उन्हीं लिंग वचन कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे अपूर्व त्याग, एक ऐतिहासिक घटना के बारे में। तो पाठ का वाचन और उसका अनुवाद हम देखते हैं। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक हो गए अर्थात मृत्यु हो गई। तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना सुसुरेव आसुर। उनके पुत्र उदय सिंह अभी बच्चे थे या छोटे बच्चे थे। अतएव राजपूत प्रमुखा तस्य राज अभिषेकम तु अकुर्वन, परं दूरस्थ एकः संबंधी वनवीरः तस्य बालकस्य उदय सिंहस्य संरक्षिका नियुक्ता। इसलिए राजपूत प्रमुखों ने उस बालक का राज अभिषेक तो किया, परंतु दूरस्थ दूर के एक संबंधी एक रिश्तेदार वनवीर को उस बालक उदय सिंह की रक्षा के लिए नियुक्त किया, अर्थात वनवीर नाम का एक रिश्तेदार था उसको उस बालक की रक्षा के लिए सौंपा गया कि उसके जब तक वह बालक का पूरा नहीं होता है तब तक वह जीवन उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। बालक निपस्य पालन पोषणम पन्ना नाम एकादात्री करोत इसम। राजा बालक का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई करती थी। पन्ना अर्थात जो पालन पोषण कर बच्चे को उसको दाई कहा जाता, तो इसमें संस्कृत शब्द आया है दात्री, दाई अर्थात पालन पोषण करने वाली महिला, उसका नाम क्या था पन्ना। तस्य स्वपुत्र चंदनः अपि समवयसः आसीत्।
उसका अपना पुत्र चंदन भी उसी उम्र का था, अर्थात जिस उम्र का उदय सिंह थे उसी उम्र का जो उनका बेटा चंदन भी था, साथ में वह भी पालन पोषण उसी के साथ होता था। इतः राज्यम प्राप्य वन वीरस मनसी लोभा आगच्छत। यहाँ वनवीर के मन में राज प्राप्त करने का लोभ, मन में लोभ आ गया कि इस राज को मैं हड़प लूं या मैं अपने अधीन कर लूं। सह अचिंत्यत, इसलिए वह सोचने लगा यदि उदय सिंह न भवे तरही अहम निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि। यदि उदय सिंह नहीं होगा तो मैं निष्कंटक बिना रुकावट के राज कर सकूंगा। तस इदं घृणित विचारा पन्ना दात्री अजानयत। उसके इस घृणित विचार को, उसके इस घृणित विचार को, गलत गिरे विचार को पन्ना दात्री जान गई। रात्रो तदा वन वीर उदय सिंह मारतुम अगच्छत। रात को जब वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, रणवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्मात पूर्वमेव पन्ना कौशले उदयस स्थाने सैयायाम स्वपुत्रम चंदनम अस्थापयत। उसके पहले पन्ना कुशलता से उदय के स्थान पर सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला दी। तो जहां चंदन, जहां उदय सिंह थे वहां चंदन को सुलाया और उदय सिंह को वहां से उठा लिया। सह उदय एकस्मिन करंट के संस्थाप्य पत्रय च अच्छाद्य प्रसादात वही प्रशयत। वह उदय सिंह को एक टोकरी में रखकर पत्तों और पत्तों से ढककर महल के बाहर भेज दिया। रक्त पिपासु वन वीरा, यहाँ विशेषण विशेष का प्रयोग है, रक्त पिपासु वन वीरा तदा अपृच्छत। रक्त का प्यासा जब रणवीर, रक्त पिपासु रणवीर, रक्त का प्यासा रणवीर जब पूछा पुत्र उदय, उदय कहाँ है, पन्ना अविचलता एव स्वपुत्रम प्रति संकेतम अकरोत। पन्ना बिना विचलित हुए, बिना घबराए ही अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया कि वहां सोया। अग्र एव क्षणे, अगले ही क्षण में चंदनस मस्तकम खंडेन छिन्नम अभवत। चंदन के सिर को खंडेन तलवार से अलग कर दिया। स्वामिनिम रक्षितुम पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अकरोत। स्वामी की रक्षा के लिए पन्ना अपने संतान का उत्सर्ग या बलिदान कर। धन्य इदिसी स्वामा स्वामी भक्ति है, धन्य है ऐसी स्वामा स्वामी भक्ति की। अयम अपूर्व त्याग, यह एक अपूर्व त्याग है कि स्वामी की जान बचाने के लिए अपने बच्चे की जान उसने बलिदान कर दी। समय क्रमेण सह राजपुत्र उदय युवा भूत्वा वन वीर युद्धे निहत्य चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत। समय के उपरांत वह राजपूत उदय बड़ा होकर वनवीर को युद्ध में मारकर चित्तौड़ का राजा हुआ, राजा बना। स एव उदयपुरम नगरम स्थापयत। वही
या वही उदयपुर नगर की स्थापना की, या उन्होंने ही उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थानस्य इतिहासः पन्नादात्रयाः चिरेणि स्थास्यति। राजस्थान का इतिहास पन्नादाई को लंबे समय तक याद रखेगा। अर्थात इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है और इसके अनुवाद हैं आपको जो है असाइनमेंट के तौर भेजे जाएंगे, और इसमें आपने सीखा कि कैसे स्वामी भक्ति के लिए एक दाई, एक पालन पोषण करने वाली महिला अपने बेटे का बलिदान कर देती है। इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? अपूर्व त्याग।